अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो फ्रॉम कीनिया। सो बेसिकली माय फैमिली इज़ कमिंग टू कीनिया एंड आई हैव टू सरप्राइज देम बाय कुकिंग बिरयानी फॉर देम। सो मैंने मम्मा से बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पूछी थी, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं था कि आई विल बी कुकिंग के जिस दिन वो लोग आ रहे होंगे। बट बिफोर कुकिंग द बिरयानी, मुझे जाहिर सी बात है क्योंकि घर से सब आ रहे हैं और घर को अच्छे तरह से साफ़ सुथराई करनी थी, सबसे पहले आई स्टार्टेड क्लीनिंग द इंटायर हाउस। और जब पूरा घर क्लीन हो गया तो नाउ आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट कुकिंग बिरयानी। आई एम गोइंग टू कुक मटन बिरयानी एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कुकिंग इट, सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोज। सो इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम और यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन सी द यूजर नेम ऑन द स्क्रीन। सो बिना कोई देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूरे घर की क्लीनिंग से। मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे हैं पूरा घर साफ़ सुथरा करने में, ताकि जब मम्मा लोग आएँ दे डोंट हैव टू से हमने बहुत गंदा रखा हुआ। और तो घर गंदा होता नहीं है, बट वी यूजुअली क्लीन 2-3 times अ वीक मोस्टली, क्योंकि मैं और बाबा अकेले रह रहे हैं और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती साफ़ करने की। बट आज हर चीज़ चेंज करनी थी, बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, पूरा घर समेटना था। सो आई हैव डन ऑल, लेट मी शो यू। नाउ इट्स टाइम टू कुक बिरयानी। और सबसे पहले मैं चावल भीगने रख दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग सब्जियां वगैरह काटेंगे, मसाले निकालेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोकिंग द राइस। तो सामान मैंने सारा निकाल लिया है, जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सिंधी बिरयानी का शान का मसाला विच आई गॉट फ्रॉम कैरेफोर। यूजुअली यहाँ मिल जाते हैं बट यहाँ मसाले बहुत महंगे होते हैं। बाकी गोश्त वगैरह हर चीज़ निकल गई है। तो चीज़ें सारी निकल गई हैं, अब सबसे पहले हम सब्जी काट लेते हैं फिर हम आगे काम करते हैं। काटने भी नहीं शुरू किए और यू कैन सी टियर्स इन माय आईज। सो प्याज कट गए, नाउ टमाटर और हरी मिर्चें ग्राइंड करनी है काट के, और फिर अदरक लहसुन पीसना है। ग्राइंड कर चुका हूँ मैं, अदरक लहसुन भी पीस लिया है, और आप तैयारी करनी है बनाने की। लेकिन अब अफ्तार का टाइम हो गया है तो आई एम गोइंग फॉर अफ्तार, और अफ्तार से फ्री होके आई विल स्टार्ट कुकिंग। सो अफ्तारी के लिए खाना ऑर्डर किया था KFC से यूजिंग ग्लूवो। अफ्तारी हुए हुए आधा घंटा हो गया और अभी तक खाना नहीं पहुँचा है। सो लेट्स गेट बैक टू कुकिंग, जब खाना आएगा जबकि जब देखेंगे हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। Thank you.
सारे मसाले ऐड करने के बाद सबसे पहले प्याज ऐड किया, उसके बाद प्याज फ्राई होने के बाद अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाली, मिर्च डाली, और वो डालने के बाद थोड़ा भूनने के बाद शान का मसाला डाला, फिर गोश्त डाला, दही डाली, थोड़ा सा भूना और फिर पानी डाल के इसको ढक के रख दिया सो डैट ये गल जाए अच्छे से। और जैसे ही हो जाएगा तो फिर अब हम इसको खोल के फिर देखते हैं कि कितनी कसर बाकी है, मसाला रेडी हो जाए तो हम चावल बनाएंगे। जैसे ही चावल बन जाते हैं तो इनको तय लगा के दम लगाया जाएगा और फिर बिरयानी तैयार हो जाएगी। आई होप इट टर्न्स आउट गुड। अच्छा, वन मोर अपडेट, इट इज़ बीफ बिरयानी, नॉट मटन बिरयानी। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा मटन रखा हुआ है, बट दैट वाज बीफ। कमर में शदीद दर्द हो रहा है, लेकिन फाइनली बिरयानी इज रेडी। सो लेट मी शो यू। सो गाइज, बिरयानी इज रेडी। And now this is where I will end this vlog. Thank you so much for watching. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।